हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू विशमा व्लॉग। और मैं नानू को ऑफिस से सीधा ले आई हूँ। क्या करना है? खाना खिलाने। तो जैसा कि हम बहुत दिनों बाद, जैसा कि हम 4-5 दिन से बाहर थे, और ऑस्कर और लोगों ने पूछा, ऑस्कर कहाँ है? वो स्मृति के साथ था, स्मृति घर पे रह रही थी। तो ऑस्कर अकेला था, तो हमने कहा आप घूम के आ चुके हैं तो क्यों ना ऑस्कर को भी घुमाया जाए। तो हम आज ऑस्कर को लेके आ गया। तो आई वाज नॉट फीलिंग वेरी लाइक एक्टिव, मेरे को बहुत टाइंडनेस हो रही थी, बट मैं कहा ठीक है भाई, चलो चलो, ऑस्कर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम ऑस्कर को लेके आए यहाँ, ऑस्कर मस्त बैठ के देख रहे हैं। ये व्यू दिख रहा है यहाँ से पूरा, और पता मेन रोड भी है, डॉगूस है, बाहर गाड़ियाँ चल रही है, देखिए छोटे छोटे, तो इसको मजा आ रहा है देखने में। और नीचे फ्लोर ठंडा ठंडा पे वो बैठा हुआ है, और हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। तो आज हम तीनों हैप्पी फैमिली अपना टाइम स्पेंड करने आया, तो दिस इज आवर क्वालिटी टाइम स्पेंड ऑफ आवर फैमिली, सो लेट अस एंजॉय। या काम आते कभी जेल लग रही है लड़कियां हमारी, ना बढ़िया ही लगते हो। हां, और शादी में नानू भी बढ़िया लग रही थी गाइस, नो डाउट। लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं इस पे, तो आई आल्सो एग्री। पहली बार मैंने ज्यादा तारीफ करी है इसकी, क्योंकि पहली बार ही ज्यादा अच्छी लग रही थी, ज्यादा अच्छी लग रही थी, अच्छी और ज्यादा अच्छी में फर्क है। तो मैं ज्यादा अच्छा लग रहा था, मैं वही कपड़े पहन के बार बार घूमूंगा। घर में भी पूजा कराएंगे ना, तब ये तो पहन लेना। डन, एक बार घर सेट हो जाए, मम्मी आ जाएगी तो पूजा कराएंगे घर में। So guys, हमारा क्वालिटी टाइम में हमारा खाना आ चुका है, वो है ये रहा। आशु इज हियर, आशु मेरी बेटा, ऑस्कर, ऑस्कर नने अपने अलग एटीट्यूड में बैठा हुआ है। भाई मैं नहीं बात करूंगा, जाओ तुम खा लो अपना, ढूंढ लो, ठीक है, इतना हो मन ज्यादा ऐसे करके हम खाना खाते हैं, और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, ये 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 मेरी ब्लर ब्लर फोटो ले रही है, ये बोले बस कर को पीछे आशुरी। तो वी आर डन, बट इसका इंटीरियर देखो यार, बड़ा सही लगा रहा है इसका, मतलब नेक्स्ट टाइम वेलकम हियर। क्या नाम है इसका? फ्यूल, फ्लेवर फ्यूल, फ्लेवर फ्यूल, ओके वेलकम दिस साइड। वो हमारा था जहाँ हम आए थे, वह चांद छुपा बादल में, हमारा चांद कुछ ज्यादा ही छुप गया, अब दिख ही नहीं रहा बेचारा। तो गाइस चांद में दाग है, हमारे घर चांद में भी अभी दाग है। भाई देखो कल जो रिएक्शन हुआ था, उसके पूरे पिंपल्स हो गए यहाँ पे गले में। हाँ, तो हमारे चांद में भी दाग आ चुके हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हमारे चांद में दाग नहीं है, एक चाक लगी। चलो को घर ही नहीं जाना, चल गोदिया। क्यों गोदिया? क्यों गोदिया? आए बड़ी गोदिया, गोदी में आएगा तो क्रैक खा लेगा। बेकारी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू विशर वाज व्लॉग। स्टार्ट तो कल ही कर दिया पागल। सो कल जो हमारा व्लॉग था, हम घर आ गए थे और हमने एंड नहीं किया था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा थके हुए थे, और हमें ऑस्कर को लेके जाना था, क्योंकि वो बेचा वो आशु 3-4 दिन से अकेला ही था, मतलब हम लोग नहीं थे उसके साथ। तो ऑफिस से आने के बाद उसको लेके गए, जो आपने देखी, और रेडी, बट उसके बाद हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा बॉडी में बहुत टायर्डनेस हो रखी थी, क्योंकि दोनों का ऑफिस ऑफिस होता तो यार फिर थक जाते हम लोग। लेकिन आज वी आर वेरी मच एक्टिव, तो घर आते ही बन चुका है। ठीक है, देखो लड़की क्या कर रही है, चिप्स सर्व कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ बनी है चाउमीन, देख पा रहे हैं आप चाउमीन्स? क्यों नहीं देख पाएंगे वो। और ये जो लड़की है नूडल जैसी, इसने चाउमीन बना रही है। ये देखो हम दोनों कैसे कि हम दोनों एक दूसरे को ना ऐसे जलाने वाली बातें अलग अलग करती है, मुझे अलग तरीके से जलाती है और मैं अलग तरीके से इसको पढ़ती हूँ। ये तो सेकंड लेवल है इरिटेट करने में तुम्हें। डू नॉट डू इरिटेट मी राइट नाउ। हाँ, तो अब हम चाउमीन खाएंगे, बैठेंगे, हम कुछ भी नहीं खाएंगे। और गाइस यहाँ जो एक हमारी बड़ी अलमारी थी वो सेल हो चुकी है, और जो ये छोटी वाली अलमारी जो हमारे इधर रखी थी यहाँ पे से वो खाली हो गया। अभी हमारा रूम इतना खाली लग रहा है ना, देखा हूँ आपको इसमें करके। नाउ इट्स अ बिग ह्यूज हॉल, और यहाँ पे ये और छुड़ी है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है। और सुनने पारी करी थी मम्मा को, खाना खाएंगे। और आज हमारे हमने एक मूवी देख स्टार्ट करी थी देखनी, वो आनंदी की है, आनंदी मतलब आनंदी की है। वो आनंदी जो थी ना बचपन वाली आनंदी, वो आनंदी की है, वो आनंदी की कोई हॉरर मूवी। हमारे पानी ओवरफ्लो हो गया हुआ, एंड गाइस हमारे घर में चूहा भी है, वो चूहा ना यहाँ पे अलमारी में इसमें घुसा हुआ था वॉशिंग मशीन में, अब वो वहाँ नीचे घुस गया है। आशु को पता है, आशु कहाँ था चूहा, कहाँ था आपने बताई थी चूहा कहाँ था? हाँ यहाँ था, देखो इसको पता है चूहा यहाँ रहता है। और मैं 5 बार दिवा दी मैंने, देखो इसमें, देखो मेरी में,
ओह माय गॉड, ये भूल ही गया हूं, तो पानी खाने लग गया। तो गाइस ये वो है, बस वही है। तो आइस क्यूब नहीं जमा लेते, फिर इसको ऐसे पकड़ के लगाते हैं, वही है ये। और मेरे को फेस पे पिंपल्स हो गए थे ना, और जो दाने हो गए थे। और हमारे फ्रीजर में देखो, सो गाइस ये जो है हमारे, इसमें देखो जरा, यहाँ पे आइसक्रीम रखी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, फेक नहीं है, ये भी पूरे फेक नहीं है दो, और ये जमी बढ़िया। ये जो दीदी है ये फेक नहीं है बस इनको, क्योंकि ये दीदी ने अपने लिए रखी थी खाने के लिए, कोला, मैंगो, ऑरेंज, रेसबेरी, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर हैं। तो दिस इज आर फ्रीजर्स, और इसको कोक में भी आइस क्यूब चाहिए भैया। दीदी बड़ी दीदी है ये। गाइस बड़ी दीदी वाली वीडियो कैसी लगी आपको ये बताओ जरा, कैसे लगी गाइस को नानू की एक्टिंग, बड़ी दीदी वाली ओवर एक्टिंग, बड़ी दीदी ई का हो वै, बड़ी दीदी एटीएम ना कहा जा रहा तो पे करू तेरे गुद्दे लाल जम गई। मैं कहता हूँ याद हो गया डायलॉग, मजा आ गया। तो अभी हम करने जा रहे हैं डिनर, उसके बाद मिलते हैं आपसे और बैठते हैं अपने आराम कुर्सी पे। मतलब मैं जब से आई हूँ हम लोग बैठे नहीं है, सब्जियाँ काटे फिर मैंने ये बनाए, तब हम बैठेंगे आराम से रेस्ट करेंगे। अब इट्स टाइम टू डिनर, सो आई थॉट कि कुछ एक अच्छा सा, हमेशा वो मुझे फ्लावर्स देती है तो मैं उसको फ्लावर दे दूँ, वो भी थोड़ा अलग। तो मैंने आज ले आया है ये, विच इज़ अ ऑर्किड, सो लेट्स गो एंड गिव इट अ हग। लेट्स गो बैठ चुके खाना खाने, दीदी हमारे टीवी चला के बैठ जाएंगी, फिर आ गई बाबू, मैं आ गई। आशु को देखिए, आशु को जाना है पहले अंदर। हाँ आशु को जाना है, आशु बता दे इसको क्या करना है। आशु है पार्टनर इन क्राइम। व्हाट पार्टनर इन क्राइम? हाँ देख फूल सूंघ रहा है वहाँ के, आशु सूंघ रहा था, पौधे सूख रहा था, ये प्लांट सूंघ रहा था, और मेरे बालों में कुछ लग गया इसे। ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ, वाइट बाल कैसे हुए तुम्हारे साथ? क्योंकि मैं फ्लावर हूँ तो मैं फ्लावर ही दूंगी ना तुमको। ऑर्किड एंड चोमिंग्स फॉर यूज, ये अब तुम ये खा के बताओ पहले, विद फ्लावर, विद चोमिंग्स, विद कोक्स। मैं तो मशरूम खिलाती हूँ, आई मशरूम हरी चटनी वाली बनाई है तुमने, हरी सॉस वाली, आज पता कैसे नहीं अम्मा जैसी चाउमीन वाली चाउमीन बनाई है तुमने, हरी सॉस डालने के बाद वाली, मैंने मार देना है। गाड़ी जी बहुत चालू है, ऐसे से आ रही है, फिर एक दिन गप करके आ लेगी। मेरे मुंह पे ही बजी हो, मैंने मार देने, मैंने खाना ही नहीं है। गाइस ये कितने का लाए ये बताओ? मैंने क्या बहुत बार क्या जो मैं करने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ? Hold it from your desk. ये मैंने करा है, हम दोस्तों के साथ भी करा है, मैंने भाई के साथ भी कराया, ये भैया में था भैया में लंबे लंबे, पर इतने में ही आके सब खत्म कर देते थे। ऑब्वियस बात है, हाँ मतलब ऐसा नहीं बचपन में मैंने की होता ना कि नहीं मैं खाऊंगा ज्यादा, मैं खाऊंगा ज्यादा, ऐसा वाला नहीं, मैं तो बीच से तोड़ देता था। ऐसी हरकतों में ना मैं ऐसे हाथ दौड़ कर टक कर तोड़ देता था, ज्यादा मेरा
मस्त बने चाउमीन, हम खा लेते हैं। खा रहे तो फिर लेंगे। आराम से अंदर आए। तो क्या कर रही है, गाय थे अंदर खड़ी होके? वैसे हमारे घर में चूहा है, बहुत छोटा सा था, बड़ा हो गया, मोटी हो गया चूहा। अब बताओ घर में चूहे आ रहे हैं तो हमने ये मंगाई है केज, इतना सारा खिलाएंगे उसे मोटा हो जाएगा। अरे खिला दे, क्या पता ये उसकी आखिरी चीज हो। आखिरी क्यों चीज होगी, यहाँ से निकल गए और खाएगा फिर। आराम से हाथ बचा के पकड़ो। इसने बहुत चूहे पकड़े, मैंने तो वहां से गेंद नहीं लगाया। मैंने केज लगाई है, मुझे मम्मी नहीं लगाती थी। मम्मी नहीं लगाती थी, मम्मी लगाती थी, रोटी लगाती थी। तो गाइस आप लोगों ने घर में कभी बचपन में ऐसा देखा है कि केज लगाते हुए चूहा पकड़ने के लिए? तो वही क्या है, मैं हम तो रोटी लगाते, इसने बोला चीज लगा दो, तो चीज लगा दी यहाँ पे। आई श्योर ये खुल बंद होगा, जो खाएगा ना तो ये हिलता है भाई, ऐसे ऐसे करके हिलता है थोड़ा सा, तो भी निकल जाएगा वो। ओके, इस तरीके से एज यू से आई ट्रस्ट यू गाइस। हम इसको नीचे रखेंगे और हम जा रहे हैं उसका को उधर रखने, और देखते हैं इतनी देर में अगर पकड़ गया तो पकड़ के उन्हें अंदर इसको रखेंगे। जो लोग बर्फ लगाता है तो कुकुम्बर वाटर को आप आइडली कुकुम्बर वाटर या फिर राइस वाटर को इसमें डाल के आप इसको आइस बनाएं इस तरीके से, बट मैंने नॉर्मल वाटर को किया है और मैंने आज ट्राई किया क्योंकि कल इसने नानो ने मंगाया था ये। और क्यों मंगाया था, क्योंकि मेरे ना यहाँ पे फेस पे जो छोटे दानों के दबो दिखाए थे वो कल जब रात को छोटा सा थोड़ा सा बर्फ लगाया था तो आराम मिला है। तो ये दीदी ने कि भाई इतनी देर क्यों पकड़ के रखेगी, तो ये वाला मंगा दे आशीष और कैरिंग। ये रख सोना नहीं लग रहा, और ये ना प्यारा लग रहा है वैसे करने में, और लिटरल मेरे दाने एक्चुअली कम हो गए एक दिन में। नहीं अब बताइए, रख सोना नहीं लग रहा? रख सोना डिओड्रेंट यही है, डिओड्रेंट नहीं वो एक लगाने वाला आता था बगल में, लगाती थी बीच बीच में, बड़ा भी मिल गया तो मैं इसमें राइस वाटर। इसमें तुम्हें ठंडा नहीं लग रहा है? लग रहा है, मतलब पकड़ने में इजी है ना, पर अच्छा ग्रिप है और नहीं ठंडा नहीं है यहाँ से ना उतना, आप इजीली पकड़ सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। दिस इज द बेस्ट थिंग, ये 100 रुपीज या 150 तक का। तुम्हारा भाई बेटा 100 रुपीज में है? पूरा पूरा 175 रुपीज का, ठीक है। तो 100 और 50 बोली तो मैं 25 रुपए और देख रहे हो, लोगों को एक एक रुपए की कीमत होती है, इसको 25 रुपए की नहीं है, समझ रहे हो गाइस? क्योंकि मेरे पास नानो है, मेरे को नानो की कीमत है, मेरे को नानो की कीमत है। ए तेरी माँ की ठंडा ठंडा पता था मुझे, ये लगाई तूने वो वाला भी तो लगाया है, मैंने वो हटवा दिया, तूने मुंह नहीं धोया उसके बाद, तो ये तो धुल गया इतना। ठीक है, ठंडा ठंडा लगा ठंडा ठंडा, हाँ कुछ ज्यादा ही खाना इज ओके गाइस, खाना इज बेटर ऑप्शन, लड़ा के खा दी मेरे फिर। लेट मी गो एंड ईट। अरे तो चूहा नहीं आया ना, अभी आ रहा है, ऐसे चूहा मेरे घर में है यार। मूवी में तो ऐसे दिखाते हैं, टॉम एंड जेरी में ऐसा चीज लगाया, जेरी भागता हुआ आ गया। जेरी नहीं ना आजकल के चूहे, जेरी तो बहुत स्मार्ट था पागल, ये एक्स्ट्रा स्मार्ट है, ये जेरी तो एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा स्मार्ट दिखाया है, हम उसी को देखते हुए तो बड़े हुए। चूहे ऐसे भी स्मार्ट होते हैं, देखो जब तक गाल में ठंडा लग रहा था वो अच्छा लग रहा था, अब अच्छा लगता है। तो गाइस क्या राइस वाटर में ना ठंडा क्यों है? तो गाइस बात आई यह है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूं क्या। अरे इसकी बोलती बंद करा दे मेरे आगे, बात पता क्या, इसकी बोलती बंद करा दे गाइस मेरे आगे क्यों, और जब भी अकेले व्लॉग बना दी थी ना तभी इतना बक बक करती थी, इतना बक बक, जब से मैंने व्लॉग में बक बक करना स्टार्ट किया इसको लिटरली कुछ नहीं समझ आता कि ये क्या बोले, इससे ज्यादा तो ऑस्कर दिख जाता है व्लॉग में, ऑस्कर फीचर हो रहा है यहाँ पे भर भर के। चलो बोलो गाइस से तुम बात कर लो आज गाइस, और आपको
आपको ये बता दें कि नानू का जो Q&A जो वीडियो है वो बन चुका है, वो आपको कल या परसों मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर वाला जो ये कब हुआ बन चुका है, मिल जाएगा उनको। और प्लस आपको मेरा मेरे से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना है तो वो हम बाद में करेंगे। गाइस कैसे लग रहा वॉलपेपर? अच्छा लग रहा ना? मेरा भी सेम है। मेरा भी सेम है गाइस, मैं गैस दिखाऊं। प्रूफ दिखा। हां मैं प्रूफ दिखा और नहीं है झूठी झूठी क्या झूठी सुरभि। सो गाइस बात ये है कि हाँ अभी रिसेंटली ना कोई मुझसे पूछ रहा था कि नानू आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते, आपके व्लॉग कब आएंगे। यार मेरे को एक बात बताओ, इतने व्लॉग में डेली व्लॉग बन रहे हैं, अब क्यों अलग से व्लॉग चाहिए और अलग से क्या ही मिल जाएगा उसमें, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। एक तो इसके ही व्लॉग में मैं अगर थोड़ा बहुत दिख जाऊँ या बोल लूँ वही बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए, और तो अलग से व्लॉग बना के मैं क्या ही दिखा दूंगी उसमें। दोनों के साथ में दो व्लॉग है भाई, अब क्या अलग अलग शूट करेंगे। इमेजिन एक में रचा दिखा रही है, रचा ने खाना बनाया, दूसरे में मैं दिखा रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ। रिचा खाना बना के लेके आई है, मैं खाना खा रही हूँ, रिचा दिखाएगी मैं खाना बना के लेके आ रही हूँ, नानू अपने व्लॉग में खाना खा रही है। वाह है रिचा उधर किचन में तो नहीं है। लंदन गाइस, लंदन लंदन हमारे जो पैरल है, लोगों ने पूछा कि पैरल और सिमरन करते क्या, किसी ने पूछा है जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं पैरल और पैरल है कौन। पहली बात ये कि आपने किसी ने लिखा है आपकी सिस्टर है क्या है, तो गाइस वो मेरी सिस्टर नहीं है, मेरी पर सिस्टर से कम भी नहीं है। सो इट्स लाइक मेरे ब्लड रिलेशन वाले जो बहनें कजन्स हैं, मेरे खुद की कोई सगी बहन नहीं है, तो मेरे जो ब्लड रिलेशन वाले कजन सिस्टर्स हैं उनसे हमारी मेरी बातचीत होती नहीं है। बट जो फ्रेंड्स जो थे वो अब सिस्टर बन चुके हैं, मतलब वो टाइम इतना हो गया, कितना साल हो गया मेरे को इसको जानते हुए, ऑलमोस्ट 10 नहीं नहीं नो 3 4 5 6 7 7-8 साल हुआ है। 7 साल तो मेरे साथ ही होने वाले हैं। 7-8-9-9-9 तो 9 ही तो बोला मैंने, 9 साल हो चुके हैं। फ्रॉम पास्ट 9 इयर्स वी न्यू ईच अदर। पारुल को मैं जानती थी, वो मेरी स्टूडेंट थी और स्टूडेंट से हम बहुत थोड़ा क्लोज हुए, फिर फ्रेंड्स बने, फ्रेंड्स से वो मेरे को दीदी दीदी करने लगी मैम को छोड़ के, और वो दीदी उसने इतना ज़्यादा दिल पे लेके बोला कि वो अपने घर में सबको बता दे कि मेरी कज़न सिस्टर है, मैं भी अब सबको ये बताती हूँ कि मेरी बहन छोटी बहन है। तो हमें वो फीलिंग नहीं आती मैम और बच्चे वाली या फिर कैसी भी, तो मुझे उसके लिए कुछ भी करने से ऐसा सेकेंड टाइम भी सोचना नहीं पड़ता मेरे साथ ऐसा होता उसके लिए। और तो वो है मेरी स्टूडेंट प्लस माय सिस्टर नाउ, और सिमरन जो है वो है पारुल की छोटी बहन। अभी जो हम रोके में गए थे वो पारुल का रोका हुआ था, और पारुल क्या करती है, पारुल लंदन में जॉब करती है एक क्लिनिक में जहाँ पे वो एज असिस्टेंट मैनेजर काम करती है, और जो सिमरन है वो एयर हॉस्टेस है, तो वो इंडिगो में जॉब करती है एज एन एयर हॉस्टेस। तो जो पारुल है वो लंदन गई थी गाइस, लंदन से आई थी अपना रोका करने, इम्पोर्टेड जगह से आई थी अपना रोका करने, और इम्पोर्टेड जो वैसे वो इम्पोर्टेड सामान भी ले आई थी मेरे लिए। Ooh, one more added in the collection. Yes, so one more bag added into my collection. ये जरूर मैं आपको दिखाऊंगी मेरा एक कलेक्शन अपने बैग्स का। वैसे ज्यादा बैग स्लिंग्स हो गए मेरे पास, ज्यादा बैग दो मुझे टोट बैग चाहिए, मैंने उसको बोला था, बट वहां पे जब वो खरीदने गई थी तो मुझे वीडियो कॉल किया था, वहाँ पे टोट बैग मिला नहीं अच्छा वाला, तो मैंने कहा स्लिंग बैग ले लिया। और ये वहाँ का स्टीव मेडन है, इंडिया का स्टीव मेडन तो मैंने यूज़ करा है, जो ब्लैक वाला जो आप मेरा बैग देते हो उसमें बहुत ज़्यादा जो मैंने यूज़ किया है वो मेरा स्टीव मेडन गई था, अभी ये वहाँ से आया है, एंड दिस इज वेरी नाइस, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू पारुल और नानो के लिए ठंडी वाली जैकेट ली, मतलब सर्दियों में पहनते हैं वो कर्सलेस वाली स्काई ब्लू वाली, स्काई ब्लू कलर की है इतनी सी जैकेट है वो, और कर्टलेस वाली वो जो मोटी मोटी जैकेट होती हैं। अब नानू कहती मुंबई में कहाँ पहनूंगी, मुंबई में तो ठंडी नहीं होती, मैंने कोई बात नहीं आई विल यूज इट, क्योंकि मेरा तो ट्रैवल ट्रिप होते रहता है ना, कहीं ना कहीं जब ठंड होगी शायद कहीं जाना पड़ता है जैकेट। सो गाइस अब हम करते हैं अपना व्लॉग एंड, थोड़ी देर से गप्पे मार लो, मैं ये बैग रख दूँ जरा, मतलब
समझ रहे हो, इसके लिए आई इम्पोर्टेड बैग और मेरे लिए आई ठंड की जैकेट। इम्पोर्टेड जैकेट आई है लंदन से, ठंड की जैकेट मतलब घुमा फिर आगे भी आई है ठंड की जैकेट, जो भी मैं पहनूंगा मुंबई की ठंड में। क्या क्या पहनते लोग मुंबई में? ऐसी ठंड पड़ती है कि पूछो मत। पहनते ना लोग एक्चुअली पूछो मत, इतनी ठंड होती है मुंबई में। जो लोग मुंबई में रहते हैं उनसे एक्चुअली पूछ लो कि ठंड क्या होती है, वो बता देंगे आपको बहुत अच्छे से। और एनीवेज यस, दिल्ली और दूसरे जितने भी सिटीज में लोग रहते हैं वहाँ पे एक्चुअली ठंड होती है, तो उधर जाना तो होगा नहीं अभी वापस से, ठंड में तो होगा नहीं, किसी और का हो तो हो। क्या पता छोड़ो, तेरा ऑफिस ट्रिप आ गया। मेरे ऑफिस ट्रिप नहीं आते भैया, आ जाते हैं। तो गाइस आज का व्लॉग में क्या था कर देना। तो गाइस आज के व्लॉग को हम यहीं पे करेंगे एंड। आ जाए हमारे जान में जान जगह जान दवन्ना, टुकड़ी खा ले पूरी पूरी की पूरी। ओके गाइस यहाँ पे करते वाला व्लॉग एंड्स के जुए में जा, मेरे सिर में जा रही है। हो गाइस यहाँ पे करते व्लॉग एंड, आपको करना लाइक शेयर को एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और जरूर फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन पे। सो लिंक बाय बाय गुड नाइट ऑल। ये जी की गूस है, आई लव यू पिंग टू गूस, आई लव यू। क्या होता है इससे पूछो मैं जब ये बोलते हैं तो मेरे को बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है कि गिची गिची गूस है आई लव। मैं चाहती हूँ कि ये जो इसने टैगलाइन बनाया, मैंने तो टूडल्स बनाया था अपना, तो मैं टूडल्स करती हूँ ठीक है। एक इसका इसके इसके दोनों तरंगी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, और गीचे गीचे गूस से आए तो मैं चाहती हूँ कि गाइस आप नानू को स्पेशली कमेंट करके पूछो कि नानू भाई ये बताओ 10 रुपये के पैप से नानू भाई सेक्सी लग रहा था कि नहीं, रोक रोक का मैं तो ये मैं पूछ तो इससे ये पूछो कि भाई इसका गू का मतलब होता है, बताओ गू का मतलब बताओ होता है इसको गाइस, पूछो इससे गू का मतलब क्या होता है। टूडल्स और टिंग, हम दोनों अतरंगी भाई, टिंग और टूडल्स। चलो बाय, मेरा नाम टूडल, इसका नाम टिंग कोई ले लो, देखो डील डील किसकी डील, कोई ले लो टूडल्स, कोई ले लो टिंग। ये गेम खेला है बचपन में, नहीं खेला तूने? गाइस ने खेला होगा, मैंने तो खेला है। फिर उनको आधा आधा टीम बट जाती थी, बटती थी फिर खींचते थे जो ऐसे ऐसे टीम बटती थी ना, बोलना हाँ, तो वही उसमें पर टीम बटते हैं ना ऐसे, तो टीम बांटते थे हम ऐसे। गाइस बाय, इट्स नाउ टाइम टू स्लीप बिकॉज कल ऑफिस जाना है सुबह जल्दी उठना, 12:00 बज के बाबू रख बंद कर सोएंगे।